नमस्कार, एसटीवी न्यूज ऑनलाइन में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। गैंग रेप में फंसे भाजपा के विधायक पर कसा शिकंजा, कांग्रेस ने योगी सरकार को बताया एनकाउंटर की सरकार। भाजपा के महासचिव बोले दोषी को मिलेगी सजा। विधानसभा चुनाव सरगर्मियों के चलते राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर हुआ शुरू। पायलट ने वसुंधरा के दौरों को बताया चुनावी नाटक। पानी की मांग पर जलदाय अधिकारियों ने की पिटाई, शहर कांग्रेस अध्यक्ष को कमरे में बंद कर पीटा। बूंदी का है मामला। सोशल मीडिया पर गहलोत को मिली धमकी से पनपा आक्रोश, आरोपी को गिरफ्तार करने की उठी मांग। अलवर में एडीएम को सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक युवती से रेप केस में फंसे भाजपा के विधायक कुलदीप सेंगर की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाने से योगी सरकार की चारों तरफ आलोचना देखी जा रही है। वहीं पीड़िता के पिता की जेल में हुई मौत के बाद सरकार ने एसआईटी को जांच के आदेश दिए हैं। इस पर राजस्थान पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट ने योगी सरकार को एनकाउंटर सरकार करार दिया है। योगी सरकार में भाजपा के विधायक और उसके भाई पर एक वर्ष पूर्व गैंग रेप का आरोप लगाया था, लेकिन पीड़िता ने दर दर की ठोकरें खाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाई। उल्टा दबंग लोगों ने पीड़िता के परिजनों को प्रताड़ित कर उसके पिता को ही जेल में डलवा दिया। 8 अप्रैल को पुलिस कस्टडी में पीड़िता के पिता की मौत हो गई। हालांकि विधायक के भाई अतुल सिंह और अन्य चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मुद्दे पर राजस्थान पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट ने देश में विभिन्न राज्यों में चल रही भाजपा सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। उनका कहना है कि योगी सरकार एनकाउंटर सरकार हो गई है और जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। दिल दहलाने वाला घटनाक्रम हुआ है। बीजेपी का शासन, बीजेपी के विधायक, बलात्कार का मामला, एक जेल में मौत हो जाए पीड़िता के पिताजी की और एफआईआर तक दर्ज नहीं हो, इससे बड़ा एक तो ये बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में एक एनकाउंटर सरकार बन गई है। एक साल में योगी आदित्यनाथ जी के पास जो पूर्ण बहुमत था उसको उन्होंने गंवा दिया है। जनता का विश्वास टूट चुका है। तो बीजेपी शासित राज्यों में अव्यवस्था है, हिंसा है, सामाजिक टकराव की स्थिति पैदा हो रही है और उत्तर प्रदेश हो या बाकी राज्य हो, जहाँ जहाँ बीजेपी का शासन रहा वहाँ ना नारियाँ सुरक्षित हैं ना महिला सुरक्षित हैं। शोषण उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा है। इसका अंत तो होगा क्योंकि लगातार भाजपा का ग्राफ इतनी जोर से नीचे गिर रहा है, पतन बहुत जल्दी हो रहा है और वो दिन दूर नहीं है जब भाजपा सभी जगहों से। वहीं भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जांच के लिए एसआईटी से जांच करवाई जा रही है, चाहे जो भी कार्यकर्ता ही क्यों ना हो उसे भी दोषी पाया गया तो सजा जरूर मिलेगी। देखिए, कानून अपना काम करेगा, जहां पर भी प्रमाण मिलेंगे चाहे कोई भी कार्यकर्ता उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और इसलिए कार्यकर्ता भी यदि अपराध करेगा तो उसके साथ वैसे ही व्यवहार होगा जैसे सामान्य व्यक्ति के साथ होता है। सरकार निष्पक्षता से काम कर रही है, ईमानदारी से काम कर रही है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अतिरेक भी है उसमें, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर हो चुकी है, लेकिन फिलहाल योगी सरकार पर यह मामला विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा बनकर आ चुका है। राजस्थान विधानसभा के चुनाव इसी साल दिसंबर में होना प्रस्तावित है। इसे लेकर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे लगातार प्रदेश में दौरों पर हैं और जनसंवाद कर डैमेज कंट्रोल करने में लगी हैं। प्रदेश में उपचुनाव में भाजपा को मिली करारी हार के बाद स्वयं मुख्यमंत्री प्रचार में अभी से उतर चुकी हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के दौरों पर कहा कि यह सब चुनावी दिखावा है। जनसंवाद में मिले आवेदनों को बोरी में भरकर पटक दिया जाता है। चलिए, अब आने वाले चुनाव तक आरोप और प्रत्यारोप का दौर यूं ही रोजाना देखने को मिलेगा। दिसंबर में राजस्थान में चुनाव होने हैं, इसे लेकर दोनों प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस ने जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। वहीं उपचुनाव में राजस्थान में भाजपा को भारी झटका लगा है, जिसमें दो लोकसभा और एक विधानसभा में भारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं कांग्रेस को मिली जीत ने कांग्रेसियों में जोश का संचार किया, लेकिन विकास के दम पर चुनाव लड़ने वाली भाजपा का नारा सबका साथ सबका विकास आखिर उपचुनाव में चित हो गया था। अब दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए मुख्यमंत्री स्वयं लगातार दौरे कर रही हैं, लेकिन क्या जो जनता का आक्रोश उपचुनाव में
विधायकों और मंत्रियों के प्रति ज्यादा नजर आया था, वह कैसे कवर हो पाएगा। संभवतः इस बार में 60% से ज्यादा प्रत्याशियों को बदला भी जा सकता है। नहीं, ये जरूरी है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, ये जनसंवाद मैंने पहले भी किया है, 2-3-4 डिस्ट्रिक्ट मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है और अभी 2 डिस्ट्रिक्ट को मैंने देखा है। मैं समझती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है और ये मैं अकेले ही नहीं, MLAs भी हैं साथ में, MPs भी हैं साथ में, जिलाध्यक्ष भी हैं साथ में, हमारे पूरे कार्यकारिणी और वो सब लोग हैं, हमारे अधिकारी सब लोग हैं, उनसे एक दफ़ा बातचीत भी हो जाती है और हमें ये मालूम हो जाता है कि जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी रह जाती है कहीं कहीं जगह पर, ये कुछ बन गया परंतु उसका कनेक्टिविटी लास्ट का नहीं रह गया, कुछ भी पाइप, एक कुछ भी हैंडपम्प, कुछ भी एनीथिंग। मैंने ये है कि जब लोगों से बातचीत होती है तो ये दिमाग में आती है और जब वो आती है तो डिपार्टमेंट जो नेसेसरी डिपार्टमेंट है उससे बात करके हम कह सकते हैं कि तो इसका काम करो। तो मैंने ये देखा है कि 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे चीज जो अदरवाइज रह जाते हैं या किसको इग्नोर कर देते हैं, वो चीज़ें छोटी छोटी जो लोगों को इमीडिएट रिलीफ देती हैं वो काम भी हो जाता है। उधर PCC अध्यक्ष सचिन पायलट का कहना है कि प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री के तानाशाही रवैये से नाराज है, जहां भाजपा के विधायक मंत्री जा रहे हैं उन्हें अपने ही कार्यकर्ताओं का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री के होने वाले दौरों पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में जन संवाद सिर्फ चुनावी दिखावा है, इस दौरान उन्हें मिलने वाले आवेदन और ज्ञापनों को बोरों में भरकर पटक दिया जाता है, जनता में आक्रोश है। जो दौरे हो रहे हैं इससे बड़ा पाखंड राजस्थान में नहीं हो सकता। वसुंधरा जी ने पहले भी संभाग के दौरे किए थे, 1.5 लाख आवेदन उनके पास आए थे। मैं तो चाहता हूं कि सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे कि जितने आवेदन हमको मिले थे, बोरियां की बोरियां मिली थी उनको, उन आवेदनों को क्या हुआ। अभी भी जो मुलाकात हो रही है मुख्यमंत्री जी से, वो सरकार और नेता किसी व्यक्ति को अप्रूवल देते हैं वही व्यक्ति मुख्यमंत्री से मिल पा रहा है, तो जनसुनवाई नहीं है, ये तो खाना पूर्ति का काम है। और क्योंकि दिल्ली में शायद भाजपा के नेता इस सरकार से नाराज हों, ये दिखाने के लिए वो कितना सक्रिय हैं, जिले के दौरे कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी का जो सीकर जिले का दौरा रहा बिल्कुल फेल रहा, लोगों में और संतोष बढ़ा है। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, जितना ज़्यादा मुख्यमंत्री जी दौरे करेंगी मैं समझता हूँ उतना ज़्यादा कांग्रेस का ग्राफ बढ़ेगा और बीजेपी की वोट। बूंदी में कांग्रेस के शहर अध्यक्ष देवराज गोचर से PHED के सहायक अभियंता कार्यालय में मंगलवार को JEN और जलदाय कर्मियों ने मारपीट कर डाली। मामले का पता चलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, तब जाकर मारपीट से अचेत हुए देवराज को अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि देवपुरा और आसपास की बस्ती में जल संकट को दूर करने की मांग को लेकर देवराज गोचर मंगलवार को सहायक अभियंता कार्यालय में पहुंचे थे। वह सहायक अभियंता से बातचीत कर रहे थे, इसी दौरान बात बिगड़कर तीखी नोकझोंक में तब्दील हो गई। देवराज ऑफिस में खड़ा होकर नारेबाजी जाहिर कर रहा था, तभी कनिष्ठ अभियंता ब्रज गोपाल मीणा ने देवराज का हाथ पकड़ लिया। इसके बाद धक्के देते हुए देवराज को सहायक अभियंता के कक्ष में ले गए और चैनल गेट को बंद कर दिया। इसके बाद JEN ने जलदाय कर्मियों के साथ मिलकर मारपीट शुरू कर दी। इससे कांग्रेस शहर अध्यक्ष देवराज गोचर अचेत होकर गिर गए। इसके बाद उन्हें ऑफिस के बाहर लाकर पटक दिया गया। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटना का पता चलने पर गोचर के समर्थकों ने जलदाय विभाग के ऑफिस के बाहर इकट्ठा होकर विरोध जताया। लोग मोहल्ले वासियों के साथ वार्ड की महिलाओं को लेकर के, पानी की समस्या की मांग को लेकर के हम लोग जलदाय विभाग में गए, क्योंकि पूर्व में भी 2-3 दिन पहले हम लोगों ने हमारे क्षेत्र की जो भी पानी की समस्या थी, बूंदी में जिस प्रकार की जो स्थितियाँ उत्पन्न हो रही है कि पानी घरों में 1-1.5 महीनों से पानी नहीं आ रहा, और अगर कहीं पानी भी आ रहा है तो गंदा पानी आ रहा है। इस समस्या को लेकर के मैं आम आवाम महिलाओं के साथ जा करके वहाँ पर अपनी पीड़ा बताने के लिए हम लोग गए थे। हम लोगों ने ज्ञापन दिया शांति पर, ज्ञापन के पश्चात वहाँ विभाग के कर्मचारी आक्रोशित हो गए कि ये नेतागिरी ज़्यादा करता है। इस बात को लेकर के उन लोगों ने मुझे, जब मैं बाहर आ गया था महिलाएं चली गई थी, तुरंत उन्होंने मुझे पकड़ के घसीट करके अंदर कमरे में ले जा करके चैम्बर में पूरे विभाग के कर्मचारियों द्वारा मेरे साथ इतनी बर्बरतापूर्ण मारपीट की गई, जिसे लातों से घूसों से इतना बुरी तरह मुझे मारा। मैं अपना चेहरा बचाने के लिए मैंने दोनों हाथों को, मतलब मुझे बचना पड़ा। उन्होंने जैसे मान लीजिए कि इतनी निर्दयता से मुझे मारा जैसे कोई खुन्नस निकालते हैं, और बहुत बुरी मेरी स्थिति कर दी। गोचर को बूंदी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। मारपीट के विरोध और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर देवराज गोचर ने अस्पताल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया है।
सोशल मीडिया पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर पर हमला करने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम की घोषणा के विरोध में बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष जमशेद खान के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर महेंद्र मीणा को ज्ञापन सौंपा गया। जिला अध्यक्ष जमशेद खान ने बताया कि जिस तरह पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ट्विटर पर उनके घर पर हमला करने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है, उसमें कांग्रेसियों में रोष व्याप्त है। कमेटी की सरकार से मांग है कि इस तरह की धमकी देने वाले को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए, साथ ही अशोक गहलोत को जेड प्लस की सुरक्षा प्रदान की जाए। अगर सरकार द्वारा उनकी मांग नहीं मानी गई तो कांग्रेस पार्टी द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज ज्ञापन पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, AICC राष्ट्रीय महासचिव को जो जिस तरीके से धमकी दी गई है कि अशोक गहलोत जी का घर को जो उड़ाएगा उसको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, उस विरोध में हम आज ज्ञापन दे रहे हैं। अगर उसको जेड प्लस सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई और उस मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे जिला स्तर पर। इसलिए हम ज्ञापन दे रहे हैं। क्यों मांग हमारी यह है कि अशोक गहलोत जी की सुरक्षा और मुलजिम गिरफ्तार होना चाहिए। मांग अशोक गहलोत जी को जेड प्लस सुरक्षा और जेड प्लस सुरक्षा उपलब्ध होनी चाहिए और आरोपी गिरफ्तार होना चाहिए, हमारी मांग यह है, इसलिए हम ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की ओर से दिया जा रहा है, क्योंकि अगर इस हमारी मांग को नहीं मानते हैं ये लोग, ये सरकार या RSS की प्लानिंग है और मोदी सरकार फेल सरकार है, इस तरह के असामाजिक तत्व पैदा हो रहे हैं, इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं हमारे राष्ट्रीय लीडरों को, तो ये कोई सरकार नहीं है, तो फेलियर सरकार मानता हूं मैं तो। इस तरह की अशोभनीय बात है, ये ठीक नहीं है। और धारा 144 होने के कारण हमने सिर्फ 4 आदमी हम ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि नहीं हम बड़ा आंदोलन करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते। जिले के बानसूर व नारायणपुर कस्बे में किसानों की फसल के लिए सरकारी खरीद केंद्र खोलने की मांग को लेकर बानसूर विधायक शकुंतला रावत के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बानसूर विधायक शकुंतला रावत ने बताया कि बानसूर क्षेत्र में सरसों और गेहूं की बंपर फसल होती है। पूर्व में सरकार द्वारा यहां पर तो खरीद केंद्र खोले जाते थे, लेकिन इस बार सरकार द्वारा यहां कोई भी खरीद केंद्र नहीं खोला गया, जिसके चलते किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तो सरकार द्वारा फसलों का मूल्य भी सही नहीं दिया जा रहा, वहीं दूसरी ओर खरीद केंद्र भी नहीं खोले गए। उनकी प्रशासन से मांग है कि कम से कम बानसूर और नारायणपुर कस्बे में सरकारी खरीद केंद्र खोले जाएं, जिससे कि किसानों को इधर उधर नहीं भटकना पड़े। मेरे बानसूर में जो सरसों की और गेहूँ की बम्पर फसल होती है, तो हमेशा से खरीद केंद्र खुलते आ रहे थे। इस बार पता नहीं सरकार ने किस मंशा से उनको बंद कर दिया गया, तो किसान बड़ा परेशान है, क्योंकि बानसूर एक कृषि प्रधान, जो सबसे ज़्यादा बम्पर फसल पैदा करने वाला गेहूं और सरसों की क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, कृषक ज़्यादा निवास करते हैं, तो कम से कम वहां पर जो हमेशा से दो केंद्र खुलते आ रहे थे, एक तो बानसूर में खुलता था, एक पूटा जोहड़ा पहले नारायणपुर था, वो भी बंद कर दिया गया। जबकि आवश्यकता अनुसार तो देखा जाए तो हर बड़ा जो कस्बा है, चाहे रामपुर है, हरसोरा कराना, ऐसे इस तरीके से खुलना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो मेन जो बानसूर विधानसभा क्षेत्र तहसील जहां कृषि मंडी है वहीं पर नहीं खोला, तो उसके लिए हम कलेक्टर साहब को आज लिख करके देने आए हैं, मांग करने के लिए कि नारायणपुर में और बानसूर में कम से कम दो जगह तो खोला जाए, सभी जगह नहीं, जिससे कि किसानों को परेशानी का सामना नहीं उठाना पड़े, नहीं तो उनको भैरोड़ या खैरतल जाना पड़ेगा या अलवर में आना पड़ेगा, इतनी दूर इतने सारे किसान एक साथ ऊँट गाड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर के, दुर्घटना का भी डर रहता है, लेकिन किसानों के हित की बात है ये। जो हमारी कांग्रेस सरकार उनको जो देती थी समर्थन मूल्य पे, तो वो पैसे तो ये दे नहीं रही है सरकार, 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये कुछ नहीं दे रही है, तो कम से कम उनका इतना तो हित करे कि उनके वहाँ पर नज़दीक खुद उसकी तहसील में सेंटर खोलने की मांग के लिए हम देखें। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। गैंग रेप में फंसे भाजपा के विधायक पर कसा शिकंजा, कांग्रेस ने योगी सरकार को बताया एनकाउंटर की सरकार, भाजपा के महासचिव बोले दोषी को मिलेगी सजा। विधानसभा चुनाव सरगर्मियों के चलते राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर हुआ शुरू, पायलट ने वसुंधरा के दौरों को बताया चुनावी नाटक।
पानी की मांग पर जलदाय अधिकारियों ने की पिटाई, शहर कांग्रेस अध्यक्ष को कमरे में बंद कर पीटा, बूंदी का है मामला। सोशल मीडिया पर गहलोत को मिली धमकी से पनपा आक्रोश, आरोपी को गिरफ्तार करने की उठी मांग, अलवर में एडीएम को सौंपा ज्ञापन। स्पार्कल प्राइम इंडिया न्यूज में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।